हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 केमिस्ट्री। लास्ट टर्म पे हमने टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट पढ़ा था, होमोजेनस कैटलिस्ट एंड हेटरोजेनस कैटलिस्ट। जिसमें मैंने बताया था होमोजेनस कैटलिस्ट क्या होता है, जिसमें कैटलिस्ट जो है वो रिएक्टेंट दोनों सेम फेज में होते हैं। अगर सॉलिड तो उसमें मेनली होमोजेनस में होते नहीं है, क्योंकि इसमें डिजोल्वेशन होता है, तो सॉलिड में डिजोल्व नहीं हो पाता। लिक्विड फेज होती है और गैस फेज होती है। और हेट्रोजेनस में मैंने क्या बताया था कि जो कैटलिस्ट है और जो रिएक्टेंट है दोनों डिफरेंट फेज में होता है, ठीक है। अब होमोजेनस कैटालिटिक रिएक्शन की मैकेनिज्म है तो उसमें कैसे होता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द कैटलिस्ट कम्बाइंड, फर्स्टली क्या होगा, जो कैटलिस्ट होगा वो कम्बाइंड होगा विद वन ऑफ द रिएक्टेंट। अगर दो रिएक्टेंट हैं तो उनमें से किसी एक रिएक्टेंट के साथ कैटलिस्ट कम्बाइंड होकर इंटरमीडिएट बनाता है। ये लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द कैटलिस्ट कम्बाइंड विद वन ऑफ द रिएक्टेंट टू फॉर्म इंटरमीडिएट। देन दिस रिएक्ट इंटरमीडिएट कंपाउंड, जो इंटरमीडिएट कंपाउंड होगा बीइंग अनस्टेबल। अब आपको पता है क्योंकि कैटलिस्ट है वो रिएक्टेंट के साथ कंबाइंड होकर इंटरमीडिएट बना रहा है, तो बीइंग अनस्टेबल टेम्प्ररी बॉन्डिंग होती है। कैटलिस्ट खुद रिएक्ट नहीं करता है, वो कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं करता है, बट वो टेम्प्ररी बॉन्डिंग बनाता है। दिस इज अनस्टेबल एंड इट्स दिस इंटरमीडिएट आइदर डिकम्पोजिस, कई बार वो डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट देता है, कई बार वो जो दूसरा रिएक्टेंट होता है उसके साथ कंबाइंड होकर, ये लिखा है, और कंबाइंड विद द अदर रिएक्टेंट, दूसरे रिएक्टेंट के साथ कंबाइंड होकर टू फॉर्म द प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है एंड द कैटलिस्ट रीजनरेट। कैटलिस्ट हमारा जैसा स्टार्टिंग में था, हमने लिया था, वैसा का वैसा हमें लास्ट में मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप रिएक्शन देख रहे हैं, 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3। दिस इज, ये गैस फेज में है, SO2 गैस फेज में होती है, ऑक्सीजन भी गैस फेज में, टू फॉर्म द प्रोडक्ट इन द गैस फेज। है ये होमोजेनस कैटालिटिक, बस इसमें कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये स्लो रिएक्शन में होती है, कैटलिस्ट नहीं है इसमें, विदाउट कैटलिस्ट है। देखिए इसमें कोई कैटलिस्ट यूज़ नहीं है, तो ये कैसी रिएक्शन है, एक स्लो रिएक्शन। बट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन कराई जाती है तो कैसी होती है, फास्ट होती है और हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ करता है। यही रिएक्शन है सेम विद इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट NO, 2SO2 प्लस O2 NO ऑल्सो इन द गैस फेज। गैस आपको पता है नाइट्रस ऑक्साइड एक गैस होती है, एंड 2SO3 टू फॉर्म द SO3। इट विल बी द फास्ट रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। इस कैटलिस्ट ने क्या किया, इस रिएक्शन को क्या कर दिया, फास्ट कर दिया, उसके टाइम को कम कर दिया कि कम टाइम में वो फास्ट रिएक्शन हो रही है। एंड इसकी मैकेनिज्म क्या है, सबसे पहले जो NO है, कैटलिस्ट है, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है। ये कैटलिस्ट NO ऑक्सीजन के साथ, मैंने बोला था वन ऑफ द रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट में से किसी एक रिएक्टेंट के साथ ही इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है। तो इसने, कैटलिस्ट ने ऑक्सीजन के साथ एक क्या बनाया, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाया। दिस इज द इंटरमीडिएट कंपाउंड NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एंड दिस इंटरमीडिएट विल कंबाइंड विद अदर रिएक्टेंट, जो हमारा दूसरा रिएक्टेंट था SO2, उसके साथ ये इंटरमीडिएट कंबाइंड होता है टू फॉर्म द प्रोडक्ट बनाता है। एंड द जो कैटलिस्ट था, जो हमने लिया था NO, देखिए NO कैटलिस्ट हमारा रीजनरेट, जैसे हमने लिया था वैसे ही हमें कैटलिस्ट मिल जाता है। कैटलिस्ट नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, पार्टिसिपेट नहीं करता रिएक्शन में, बट वो रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड अप कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है हेट्रोजेनस कैटलिस्ट। हेट्रोजेनस कैटलिस्ट क्या होगा, जिसमें कैटलिस्ट और रिएक्टेंट दोनों डिफरेंट फेज़ में होंगे। मोस्टली हेट्रोजेनस कैटलिस्ट में जो कैटलिस्ट होता है वो सॉलिड फेज़ में होता है, क्योंकि इसमें देखो मिक्सिंग नहीं हो पाती, क्योंकि अब वो सेम फेज़ में होंगे तो मिक्स कैसे हो पाएंगे और रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इसमें डिफरेंट फॉर्म में होते हैं। व्हेन द कैटलिस्ट इज़ इन द डिफरेंट फेज देन द रिएक्टेंट, जो कैटलिस्ट है वो रिएक्टेंट से डिफरेंट फेज में होता है। अगर कैटलिस्ट सॉलिड में है तो हमारा जो रिएक्टेंट होगा वो किस फेज में होगा, मे बी लिक्विड मे बी गैस। इट इज़ कॉल्ड द हेट्रोजेनस कैटलिस्ट, इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजेनस कैटलिस्ट। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड हेट्रोजेनस कैटालिसिस। ये मैंने आपको पहले बताया, इन दिस कैटलिस्ट इज जनरली अ सॉलिड। हेट्रोजेनस कैटलिस्ट में कैटलिस्ट जो होगा जनरली सॉलिड फेज में होगा, एंड द रिएक्टेंट आर जनरली गैसेस, मोस्टली गैसेस फेज में, बट इन सम टाइम सम केसेस में ये लिक्विड में भी यूज्ड। हेट्रोजेनस कैटलिस्ट, आई होप आपको समझ में आ गया हो, इसमें कैटलिस्ट और रिएक्टेंट दोनों डिफरेंट फेज में होते हैं। मोस्टली केसेस में कैटलिस्ट जो है वो सॉलिड लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें एड्सॉर्प्शन प्रोसेस होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं सरफेस कैटालिसिस रिएक्शन। फॉर एग्जांपल,
3H2 प्लस N2। अब देखिए यहाँ पे H2 और N2 जो है हमारा गैस फेज में, ठीक है, हाइड्रोजन गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। इट गिव्स द अमोनिया गैस इन द प्रेजेंस ऑफ Fe सॉलिड फॉर्म। देखिए ये आयरन है, आयरन की कैसा होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, तो Fe जो है यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है, तो इट इज़ कॉल्ड द हाइड्रोजिनस कैटालिटिक रिएक्शन बिकॉज द Fe इज कैटलाइज द रिएक्शन, इस रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा है। सेकेंड CO प्लस 2H2, CO आपका पता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ CU इन सॉलिड फेज, कॉपर जो है सॉलिड फेज में, तो भी देखिए कैटलिस्ट और रिएक्टेंट की डिफरेंट फेज है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोजिनस कैटालिटिक रिएक्शन। थर्ड है 2SO2 प्लस O2, दिस इज दोनों गैसियस फॉर्म में, मैंने होमोजेनस में भी इसका एग्जांपल लिया था, बट वहाँ पे क्या था, NO था, नाइट्रस ऑक्साइड की प्रेजेंस में था, तो वो गैसियस फेज में था इसलिए वो होमोजेनस था। वहाँ पर क्या था, होमोजेनस था वो, क्योंकि वहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड हम यूज़ कर रहे थे, सेम यही रिएक्शन थी, बट इन दिस केस यहाँ पर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ इन द सॉलिड फेज, ये सॉलिड फेज में है, और ये जो दोनों रिएक्टेंट है गैस फॉर्म में, डिफरेंट फेज हैं कैटलिस्ट और रिएक्टेंट की, तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द हाइड्रोजिनस कैटालिटिक रिएक्शन टू फॉर्म द 2SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस। नेक्स्ट इसकी हम मैकेनिज्म लेते हैं, मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोजिनस कैटालिसिस, दिस इज़ इन्वॉल्व द 5 स्टेप, 5 स्टेप में ये इसकी मैकेनिज्म है। फर्स्ट है डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल टू द सर्फेस ऑफ कैटालिस्ट। फर्स्टली क्या होगा, रिएक्टेंट जो होते हैं वो कैटालिस्ट के साथ एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो कैटालिस्ट वन ऑफ द रिएक्टेंट, किसी एक रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, पहले सबसे पहले यही होता है, बट इसमें डिफ्यूजन दिखाते हैं कि डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल टू द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की सरफेस पे दोनों मॉलिक्यूल क्या होते हैं, डिफ्यूज होते हैं। फर्स्ट स्टेप इसका यही है। सेकंड स्टेप में एड्सॉर्प्शन इनटू द सरफेस, ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं वो इस कैटलिस्ट की सरफेस पर एड्सॉर्ब होते हैं, एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, जो मैंने एड्सॉर्प्शन आपको बताया वो प्रोसेस यहाँ पर होती है। एंड थर्ड स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये जो दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं आपस में क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं इनटू द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन किया। एंड दिस नेक्स्ट स्टेप 4, डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ है ये फोर्थ स्टेप में, ये जो प्रोडक्ट हुआ है, प्रोडक्ट बना है, ये इस सरफेस से, कैटलिस्ट की सरफेस से अलग हो जाता है। आपको पता है कैटलिस्ट ने पार्टिसिपेट नहीं करता, केवल क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करता है, और बाद में वो उस प्रोडक्ट से अलग हो जाता है। तो यहाँ पे भी वही है, कैटलिस्ट रीजनरेट फॉर्म में हमें मिल गया है और प्रोडक्ट अलग हो गया है। लास्ट स्टेप डिफ्यूजन कम बैक, फिर से डिफ्यूजन स्टार्ट होता है जो फर्स्ट स्टेप में हुआ था, डिफ्यूजन दोबारा से होता है सरफेस, कैटलिस्ट की सरफेस पर अगेन फिर से ये प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट डिसॉल्व हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब इसको एग्ज़ाम्पल से लेते हैं हम, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक रिएक्शन है जो हमने होमोजेनस के एग्ज़ाम्पल उसमें भी ली थी मैकेनिज्म में, बट वहाँ पे क्या था, नाइट्रस ऑक्साइड था, तो वो गैस फेज में था, तो इसलिए वो होमोजेनस कैटलिस्ट रिएक्शन होगी। बट इन दिस केस यहाँ पे सेम प्रोडक्ट वही बन रहा है, बट कैटलिस्ट चेंज हो गया है, सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फेज में, तो ये गैस में है, SO2O2 गैस होती है, और ये सॉलिड फेज में, तो इट इज़ द हेट्रोजिनस कैटलिटिक रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की सरफेस पर ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डिफ्यूज़ होंगे, SO2 और O2 क्या होंगे, डिफ्यूज़ होंगे इन द सरफेस ऑफ द V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। सेकंड स्टेप में ये दोनों के दोनों एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस होगी, दिस इज़ एड्सॉर्प्शन ऑफ द SO2 एंड O2 मॉलिक्यूल्स। थर्ड स्टेप में ये दीज SO2 और O2 कम्बाइंड टू फॉर्म द प्रोडक्ट SO3। एंड फोर्थ स्टेप में SO3 विल डिसॉर्प्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, डिसॉर्ब हो जाएंगे SO3 के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट फॉर्मेशन के पास। एंड फिफ्थ स्टेप में फिर से ये जो SO2O2 के जो मॉलिक्यूल होंगे डिफ्यूज होंगे एट द सरफेस ऑफ द वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन होमोजिनस एंड हेट्रोजिनस कैटालिसिस। फर्स्टली होमोजिनस, कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट आर इन द सेम फेज, दोनों के दोनों कैसे होते हैं, सेम फेज में, मैंने आपको पहले ही बताया। होमोजिनस में अगर वो सॉलिड, कैटलिस्ट और रिएक्टेंट दोनों कैसे होंगे, या तो सॉलिड सॉलिड, या तो लिक्विड लिक्विड, या तो गैसेस फेज में। इन द हाइड्रोजिनस में कैटलिस्ट और रिएक्टेंट आर इन द डिफरेंट फेज में होते हैं, बट मोस्टली कैटलिस्ट आर यूज इन द सॉलिड फॉर्म। सेकेंड है रिएक्शन अकर इन द लिक्विड फेज और इन गैस फेज,
मोस्टली किस में होती है, लिक्विड फेज और गैस फेज में, एंड हेट्रोजिनस में रिएक्शन अकर ऑन द सॉलिड सरफेस, क्योंकि कैटलिस्ट जो है यहाँ पे सॉलिड फेज में यूज़ हो रहा है तो उसकी सरफेस पे ही रिएक्शन प्रोसीड होती है। थर्ड वन इज़ द इन द होमोजेनस द कैटलिस्ट डिजॉल्व इनटू द गैस फेज, जो कैटलिस्ट होता है गैस फेज में ही डिजॉल्व होगा, क्योंकि सॉलिड सॉलिड तो डिजॉल्व नहीं होंगे, या तो लिक्विड में होगा या तो गैस फॉर्म में होगा, इट इज़ द रिएक्टिंग मिक्सर। बट इन हेट्रोजिनस केस द कैटलिस्ट डज नॉट डिजॉल्व इन द रिएक्टिंग मिक्सर, क्योंकि जो हमारी कैटलिस्ट की सर्फेस है वो कैसी है, सॉलिड है, तो कोई भी गैस क्या सॉलिड पर डिजॉल्व हो सकती है, लिक्विड क्या सॉलिड में डिजॉल्व होगा, नहीं होगा, तो डज नॉट डिजॉल्व इन द रिएक्टिंग मिक्सर बिकॉज कैटलिस्ट इन द सॉलिड फेज। नेक्स्ट है द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द सर्फेस एरिया ऑफ द कैटलिस्ट, क्योंकि कैटलिस्ट जो है सॉलिड होता ही नहीं है जो उसके सर्फेस एरिया पे डिपेंड करे, तो इसलिए डज नॉट डिपेंड ऑन द सर्फेस एरिया ऑफ कैटलिस्ट। बट हेट्रोजिनस कैटालिसिस रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द सर्फेस एरिया ऑफ द कैटलिस्ट, क्योंकि इसमें जो कैटलिस्ट है सॉलिड फेज में यूज हो रहा है, तो सॉलिड की हम क्या देखते हैं, सर्फेस एरिया जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। लास्ट वन इज द कैटलिस्ट कैन नॉट बी ईजिली सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट, होमोजेनस में सेम फेज होने की वजह से रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फेज में है, तो प्रोडक्ट बनने के बाद कैटलिस्ट को उससे अलग करने में थोड़ा क्या होता है, परेशानी होती है, क्योंकि वो इजीली सेपरेट नहीं हो पाता, क्योंकि एक ही जैसी सॉलिड गैस जो है मिक्स हो रखी है। अगर गैस दोनों मिक्स हो रखी है तो कैटलिस्ट भी और हमारा जो प्रोडक्ट है दोनों गैस फेज में है, तो उनको अलग करना डिफिकल्ट हो जाता है, उसके लिए हम फिजिकल मेथड अप्लाई करते हैं, तब जाके हमारा कैटलिस्ट उससे अलग होता है प्रोडक्ट से। बट हेट्रोजिनस के केस में कैटलिस्ट कैन बी ईजिली सेपरेट फ्रॉम द प्रोडक्ट, क्योंकि जो कैटलिस्ट है वो सॉलिड फेज में, अगर हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल गैस फेज में है तो वो गैस फॉर्म में ही प्रोडक्ट बनाता है, तो सॉलिड उससे हमेशा अलग ही रहता है, तो कैटलिस्ट को हमें अलग करने के लिए कोई फिजिकल मेथड इसमें नहीं लगाना पड़ता है। तो ये आपके थे डिफरेंस बिटवीन द होमोजेनस एंड द हेट्रोजेनस कैटलिस्ट। नेक्स्ट टॉपिक है इसका एंजाइम कैटलिस्ट। ये भी बायोकेमिकल कैटलिस्ट ही है, जो कि बायोकेमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, कैटलाइज करते हैं, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं एंजाइम। ऑल बायोलॉजिकल रिएक्शन आर कैटलाइज बाय एंजाइम, जितनी भी हमारी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी में प्लांट एंड एनिमल्स की, वो कैटलाइज बाय ना एंजाइम। एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस कंपाउंड, ये नाइट्रोजिनस कंपाउंड होते हैं विच आर प्रोड्यूस बाय, जो कि प्रोड्यूस होते हैं लिविंग प्लांट एंड एनिमल से ही, खुद की बॉडी जैसे हमारी बॉडी ही है, इसमें ऐसे कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो कि एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारी बायोकेमिकल रिएक्शन जितनी भी होती हैं उनके लिए सुटेबल होती है, उनके लिए सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड करती है। एंड दे आर एक्चुअली प्रोटीन मॉलिक्यूल, जो एंजाइम्स हैं ये क्या है, रियल में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, ऑफ द हाई मॉलिक्यूलर मास, इनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है, एंड फॉर्म कोलाइडल सोल्यूशन, और ये वाटर के साथ कैसा सोल्यूशन बनाती है, कोलाइडल सोल्यूशन, लाइक मिल्क जैसा, जैसे थोड़ा दूधिया सा हो वैसा सोल्यूशन बनाती है, दिस इज कॉल्ड द कोलाइडल सोल्यूशन, जिसमें से हम आर पार नहीं देख सके, कोलाइडल सोल्यूशन को हम ये कह सकते हैं कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता। एंड इट इज़ हाईली सेलेक्टिव, हर स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए एक सेलेक्टिव या स्पेसिफिक एंजाइम होता है, ऐसा नहीं होता है कि एक ही एंजाइम सारी रिएक्शंस को कैटालाइज कर दे, तो इसीलिए इट इज़ हाईली स्पेसिफिक एंड सेलेक्टिव इन नेचर, एंड दीज एंजाइम्स आर टर्म्ड एज द बायोकेमिकल कैटालिस्ट और बायोकेमिकल कैटालाइज रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, आपको पता है केन शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, दिस इज सुक्रोज प्लस H2O, हाइड्रोलिसिस, इसका हाइड्रोलिसिस है इन प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज, जो इन्वर्टेज एंजाइम है इसकी प्रेजेंस में इसका इन्वर्जन होता है, ठीक है, इन्वर्जन की वजह से क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज, एंड ऑल्सो इन द C6H12O6 फ्रक्टोज, दोनों के फॉर्मूले सेम होते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, बस इन्वर्जन चेंज होता है थोड़ा सा। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है अनदर एग्जाम्पल ऑफ एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन फॉर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू इथाइल एल्कोहल, ग्लूकोज है ये C6H12O6 ग्लूकोज है, इन द प्रेजेंस ऑफ जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में इसका कन्वर्जन होता है किसमें, इथाइल एल्कोहल 2C2H5OH प्लस CO2, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल डीकम्पोजिशन ऑफ यूरिया इंटू अमोनिया एंड CO2, NH2CONH2 प्लस H2O, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है, यूरियस एंजाइम की प्रेजेंस में ये डिकम्पोज हो जाता है अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। अनदर एग्जांपल कन्वर्जन ऑफ मिल्क का कर्ड में कन्वर्जन किसकी प्रेजेंस में होता है, लैक्टोबैसिली एंजाइम की प्रेजेंस में, दिस इज द एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन। कल हम इसकी मैकेनिज्म लेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ लेंगे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
थैंक यू।